राठौर फ्रॉम जेनेक्स इंस्टीट्यूट। इससे पहले हम स्ट्रिंग चैप्टर्स के लिए दो से तीन लेक्चर्स अटेंड कर चुके हूं। यदि नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने स्ट्रिंग देखा था, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, या फिर कैरेक्टर टाइप पॉइंटर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। इसमें हम लोगों ने एक कोडिंग टाइम पे हम कैसे स्ट्रिंग स्टोर करते हैं उसके बारे में बताया था, और उसके बाद रन टाइम पे एक स्ट्रिंग कैसे स्टोर करते हैं ये बताया था। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम यदि रन टाइम पे एक से ज्यादा स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो कैसे स्टोर करेंगे। मतलब अभी आपने क्या करा था, कैरेक्टर n पॉइंटर टाइप में लिया था और लेंथ यदि 10 देके करा था तो आप 10 वैल्यू को स्टोर कर सकते थे। हम आखिरी में कंक्लूजन निकाल सकते थे कि scanf को जब हम परसेंटाइल s से लेते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू रीड हो जाती है और उसी को आप डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं। अब यदि आप एक से ज्यादा स्ट्रिंग रन टाइम पे लेना चाहते हैं, आपका उद्देश्य कि सर मैं जेनेक्स कंप्यूटर इंदौर एमपी ऐसे अलग अलग 4 से 5 स्टोर करना चाहता हूं वैल्यू में, तो हम कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप वही वॉइड मेन में आते हैं, आप कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर करते हैं कैरेक्टर। अब ये एक तरह से टू डायमेंशन अरे वाली बात पे ही आ जाता है। जब आपने टू डायमेंशन अरे पढ़ा था तो आप ऐसा डिक्लेयर करते थे, इंटीजर ए 5 10। इसका मतलब क्या हो रहा था, पहली रो है और दूसरा क्या है, कॉलम है। मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे क्या हो गई आपकी रो हो गई थी, और हर रो में आपके 10 कॉलम हो गए थे। ठीक है, तो मुझे भी वही करना है कि पहले रो में जेनेक्स प्रिंट करना है, दूसरे में कंप्यूटर, तीसरे में इंदौर, चौथे में मेरा मोबाइल नंबर मुझे डालना है, फोर्थ के अंतर्गत मुझे एमपी लिखना है, ऐसा कुछ भी। तो इस तरह के 5 स्ट्रिंग में क्या करना चाहता हूं, स्टोर करना चाहता हूं। तो पहले मुझे लेंथ चाहिए, तो मैंने बोला लेंथ, सॉरी पहले मुझे कितनी रो चाहिए वो मैंने डिक्लेयर करी, और हर रो की लेंथ कितनी हो गई, 10। ठीक, या फिर मैंने आपको एक दूसरा तरीका भी बताया था कि सर आप पॉइंटर n का यूज कर लेते हैं। पॉइंटर n से क्या होता था, आपकी लेंथ डिक्लेयर हो जाती थी, लेकिन अब कितनी रो चाहिए वो आपको साथ में फॉलो अप करना है, तो आप केवल इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। मतलब 5 रो होगी और हर रो की लेंथ अनलिमिटेड होगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आपको यदि एक स्ट्रिंग लेनी है तो आप प्रिंट एफ इंटर स्ट्रिंग करके इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, इसको आपने इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट लगा के क्लोज किया। सिमिलरली इसको आपको रीड करना है, तो आपको मैंने बताया था कि अब हम परसेंटाइल सी की जगह परसेंटाइल एस का यूज कर रहे हैं, परसेंटाइल एस कॉमा वैल्यू किसमें चली जाएगी, आपकी एन में। आपने n नाम का ले रखा है तो n0, यहां पर भी मैं आपको इंटीजर n का फॉलो कर देता हूं। तो ये तो सर पहली स्ट्रिंग जाएगी, लेकिन मेरे को तो 5 स्ट्रिंग चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसी चीज को लूप के अंदर कर लो। इंटीजर i नाम का आपको एक वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करना रहेगा। ठीक है, आपने डिक्लेयर किया i की वैल्यू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, और ये दोनों स्टेटमेंट आपने लूप के अंदर लिख दिए। इज इट क्लियर। अब साथ ही साथ आपको यहां पे क्या रखना पड़ेगा, n ऑफ i। तो आप अरे चैप्टर्स के अंतर्गत पढ़ चुके हैं i की सबसे वैल्यू के लिए कितनी, जितना 0 है तो n 0 में चला जाएगा, फिर लूप से टकराएगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, i की वैल्यू 1 हो गई है तो n 1 में वैल्यू जाएगी, n 2 में वैल्यू जाएगी, n 3 में और n 4 में। इस तरह से आप 5 स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मतलब जब आपको नंबर ऑफ स्ट्रिंग यूज करना है तो आपको डबल डायमेंशन अरे का यूज करना पड़ेगा कैरेक्टर के अंदर, और इन 5 वैल्यू को वापस आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो वही तरीका है वापस से, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, इन वैल्यू को आपको प्रिंट कराना है तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट का आप यूज करते हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल एस। साथ ही साथ आपको 5 अलग अलग लाइन पे चाहिए तो स्लैश एन का भी यूज कर सकते हैं, और एन ऑफ पाइथ, और इसके बाद ब्रैकेट बंद, आपने फॉर लूप बंद किया, देन वी क्लोज द गेट सी एच, गेट सी एच फंक्शन से आउटपुट दिख सके होगी। इस तरह से आपका मेन फंक्शन फॉलो होता है। आपने क्या करा, 5 वैल्यू 5 स्ट्रिंग पे रीड कराई, और फिर उन 5 स्ट्रिंगों को आपने क्या करा, अलग अलग लाइन के ऊपर प्रिंट करा दिया।
तो आप जो पांच अलग अलग नाम देना चाहते थे वो पांचों नाम अलग अलग आएंगे। इसमें ये रहेगा कि यदि आपने लेंथ 10 दे रखी है और आपने जेनेक्स लिखा तो जेनेक्स क्योंकि केवल 6 लेटर है तो 4 मेमोरी लॉस होगी, कंप्यूटर 7 लेटर है तो 3 मेमोरी लॉस होगी, इंदौर की यदि हम बात करते हैं तो इंदौर 5 लेटर्स का है तो बाकी की 5 मेमोरी लॉस होगी, तो इस तरह से। लेकिन यदि आप डायनामिक मेमोरी का यूज करते हैं तो इसके अंदर आपकी लेंथ छोटी बड़ी भी होगी तो भी आपकी मेमोरी लॉस नहीं होगी। तो एक बार आप इससे भी बना के देखें, एक बार इससे भी बना के देखें, तो आपको उसको समझना क्या हो जाएगा, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर स्ट्रिंग के कुछ और बेसिक चीजें बताएंगे जिससे आपको स्ट्रिंग को समझना और इजी हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आगे के इस नॉलेज को इनहेंस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।